जुजुत्सु काइजन की एंडिंग सबसे क्रेजिंग एंडिंग होने वाली है शोनेन जंप की। अब क्योंकि जुजुत्सु काइजन अपने ऑलमोस्ट एंड के आर्क में है, जहां पे बस सुकुना को मारना है एंड जुजुत्सु काइजन एंड हो जाएगा, क्योंकि केनजाकू भी अब मर चुका है। हमें अनाइम की स्टार्टिंग से ये बताया जा रहा है कि इतादोरी यूजी एंड में मरेगा। अब क्योंकि इतादोरी यूजी सुकुना का वेसल था फ्रॉम दी स्टार्ट, एंड गोजो ने ये क्लेम किया था कि जब इतादोरी यूजी 20 की 20 उंगलियां सुकुना की खा लेगा एंड जब सुकुना अपनी पूरी पावर रिगेन कर लेगा, तब मैं सुकुना को मार डालूंगा। मींस इतादोरी यूजी की बॉडी को, जिससे सुकुना मर जाएगा एंड सुकुना का नाम निशान हट जाए। बट ये सिनेरियो बीच में चेंज हो जाता है, जहां पे सुकुना मेगुमी की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। अब गेगे अकातामी हमें स्टार्टिंग से यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जुजुत्सु काइजन की एंडिंग में इतादोरी यूजी मर जाएगा, बल्कि नहीं, हमें इसका कम्प्लीटली अपोजिट देखने को मिलेगा, क्योंकि गेगे जो बोलता है हमेशा उसका उल्टा। जुजुत्सु काइजन की स्टार्टिंग में गोजो ने बोला था कि वो सुकुना को 20 फिंगर में भी हरा देगा, भले वो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ, बट इन द एंड क्या हुआ, गोजो मर गया, सुकुना नहीं। केनजाकू ने बोला था कि मैं अपना सपना पूरा करूंगा, केनजाकू मर गया। इतादोरी यूजी ने बोला था मैं सबको बचा लूंगा इन द शिबुया इंसिडेंट, वो नहीं बचा पाया। नानमी मर गया, नोबारा मर गई, मेगुमी ऑलमोस्ट मौत की हालत में, अब तो ये भी नहीं मालूम कि मेगुमी जिंदा भी है कि नहीं। धीरे धीरे करते हुए जो जो कैरेक्टर्स जो जो चीजें बोल रहे थे उसका जस्ट अपोजिट हुआ। सो फिर वही डिबेट आती है, क्या इतादोरी यूजी मरेगा? वेल इसका आंसर है नहीं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है जहां मैंने एक्सप्लेन किया है कि इतादोरी यूजी की कर्ज टेक्निक कैन लिटरली डिफीट सुकुना। मैं उस वीडियो के लिंक पिन कमेंट पे पिन कर दूंगा, ताकि आप जाके देख, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बट जुजुत्सु काइजन की एंडिंग में इतादोरी यूजी को छोड़ के सब मरेंगे एंड इतादोरी इकलौता बचेगा। इन दी एंड सुकुना सबको मार डालेगा, इतादोरी के पास कोई रहेगा ही नहीं। एक एक माँ की यूटा एंड ऑफकोर्स गोजो, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन तो मार ही चुका है ऑलरेडी, बचे कितने कैरेक्टर्स हैं। एंड सुकुना सबको मार डालेगा सिवाय इतादोरी यूजी को छोड़ के। एंड यहाँ से इतादोरी की एक अवेकनिंग देखने को मिल सकती है हमें, बट इतादोरी नहीं मरे, इतादोरी सुकुना को मार डालेगा विद ए सोल स्वैप टेक्निक, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, बट इतादोरी नहीं मरेगा। यही जुजुत्सु काइजन की सबसे क्रेजी एंडिंग होनी होगी। एंड हो सकता है कि जो आखिरी अटैक है वो हिग्रामो की एग्जीक्यूशन शॉट से ही हो, जिससे मेगुमी फुजिवारा शायद बच जाएगा, इन द एंड बाकी सब मर जाए। ये है जुजुत्सु काइजन की एंडिंग, जो कि मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। वेल अभी तक जुजुत्सु काइजन के चैप्टर और स्पॉइलर नहीं आए हैं। वेल इसके स्पॉइलर वेनसडे को रिलीज होंगे, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ एंड मैं बहुत वेट कर रहा हूँ। सो आप लोग भी एक्साइटेड हो उस चैप्टर रिव्यू को सबसे, उसके स्पॉइलर सबसे पहले देखने के लिए, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय सेकंड चैनल, जहां पे मैं वो स्पॉइलर सबसे पहले अपलोड करूंगा। सो अगर आपको जुजुत्सु काइजन की ये वाली वीडियो पसंद आई हो, तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मैं आपको मिलता हूँ एक और जुजुत्सु काइजन की ऐसी वीडियो पे। उससे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।